आज का जो फॉर्मूला है वो है कोबाल्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला। मैं बताऊंगा बेहद आसान आपके स्टेप, जिससे क्या होगा जो प्रॉब्लम्स है या डाउट्स है वो हमें सकते दूर हो जाएगी। देन स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन है सिंबल। कोबाल्ट का सिंबल होता है सी ओ से प्रेजेंट करते हैं, ऑक्साइड को ओ से प्रेजेंट करते हैं। देन स्टेप टू आती है, आयन पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड होता है 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू नंबर। नाम होते हैं मोनो डाई ट्राई टेट्रा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। नंबर अगर एक सेम जैसा तो नाम भी क्या होंगे, सेम होंगे। देन सिंबल की वैल्यू होती है, कोबाल्ट की वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पर दे रखी है प्लस की 4 दे रखी है। ऑक्साइड की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, माइनस के 2 होती है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की जो आपके जो वैल्यू होती है वो कभी कभी चेंज भी होती रहती है। देन सिंबल एंड वैल्यू फाइंड होने के बाद स्टेप नंबर 3 आती है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें कैच गुणा भी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर लिखिए सिंबल एंड इसके वैल्यू भी लिखिए 4 होती है। ऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। प्लस माइनस का यूज़ यहाँ पर नहीं करते, केमिकल रिएक्शन बनाते वक्त करते हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ 1 आया, तो क्या आएगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, सी ओ ऐसा ही रहेगा क्योंकि वहाँ 1 दे रखा है, एंड ओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, कोबाल्ट ऑक्साइड का। इतना आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप एक दुनिया आप हजारों फॉर्मूले बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको करनी होगी जमकर प्रैक्टिस करनी होगी।